राहुल गांधी को झटका, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने नहीं दी छात्रों से बातचीत की इजाजत। कांग्रेस का टीआरएस पर है आरोप। मिथुन चक्रवर्ती की हालत खराब, अस्पताल में थे भर्ती, बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। मुंबई मेयर पेडनेकर बोली, कानून सबके लिए एक है, मंदिर मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउडस्पीकर। भारत में बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा, अप्रैल में बढ़कर 7.83% हुई है। हरियाणा देश में अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर रोक वापस ले जा सकता है। समंदर के रास्ते की जा रही है ड्रग्स तस्करी, गुजरात के बंदरगाहों पर लगातार पकड़ी जा रही है थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से करेंगे मुलाकात। बिजली संकट पर मंथन जारी, गृह मंत्री शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, ऊर्जा कोयला और रेल मंत्री भी मौजूद। कोविड ने बढ़ाई नई चिंता, संक्रमण की दर फिर से 1% के पार, एक्टिव केस में भी हुआ इजाफा। अब दूसरों के लिए चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज के जरिए जनता से जुड़ने की तैयारी, ट्विटर पर दिए संकेत।